दोस्तों आपने वीवो के भाई आइकू का नाम तो सुना ही होगा। गाइज ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है ये लगातार अपने कॉम्पिटिटर को बीट करता हुआ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग अपने हर सेगमेंट में दोस्तों यहाँ पर आइकू की तरफ से कुछ धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किए जा चुके हैं। लेकिन अब आइकू ने सोचा यार कि हमें बजट रेंज में भी कदम रखना चाहिए। और दोस्तों आज यहाँ पर आइकू की तरफ से एक नए स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन होगा आइकू का Z6। ये स्मार्टफोन हमें बजट रेंज में मिलने वाला है और फोन की स्पेसिफिकेशंस भी काफी कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और भाई आप सभी को पता है कि हम कहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर इससे जान पहचान बढ़ाएंगे, देखेंगे यार कि क्या ये स्मार्टफोन सच में उतना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो भाई ये जो स्मार्टफोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जहाँ पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक मिल जाएगा, फ्रंट में पॉसिबली आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिलने वाला है। और वैसे भी आजकल के सभी स्मार्टफोन TUV रिलेंट सर्टिफाइड होते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। डिज़ाइन की बात कर ले भाई, तो डिज़ाइन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों वीवो और आइकू के स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। बैक साइड में आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगुलर शेप के साथ में मिल जाएंगे दो कैमरा, साथ ही में LED फ्लैश होगा और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आइकू की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सामने की बात कर ले भाई, तो यार यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि सामने आपको यहाँ पर वी नॉच वाली डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि आज के समय पर थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड यार अभी भी इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई खास शिकायत नहीं आने वाली है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट मिलने वाले हैं, दोनों से आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। कलर वेरियंट्स की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर के तीन ऑप्शन के साथ में इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। भाई जान पहचान का सिलसिला जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे देखते हैं कि फ़ोन का चेहरा क्या कहता है, क्योंकि दोस्तों चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली है 6.51 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा और लगभग 270 PPI डेंसिटी का सपोर्ट मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पैंडा ग्लास का आपको यहां पर सपोर्ट मिल जाएगा और फ़ोन को आउटडोर इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर अप टू 460 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलने वाला है कि ठीक ठाक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आउटडोर में आपको यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। रही बात गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्ले आपको यहाँ पर डिसेंट मिलने वाली है। भाई देखा जाए तो चेहरे से तो यहाँ पर काम चल जाएगा, बजट रेंज में लगभग आपको ऐसे ही चेहरे मिलते हैं, तो उसमें कोई खास शिकायत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आंखों की बात की जाए तो फ़ोन के बैक साइड में आपको मिलने वाली हैं दो दो आंखें, जहाँ पर मेन कैमरा लगा होगा 13 MP का और 2 MP का आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा। इसी के साथ में सामने बात कर ले भाई, तो सामने आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 MP का सेल्फी स्नैपर जो कि आने वाला है वी नॉच शेप के साथ में। तो भाई ऐसा लगता है यार कि आप भी यहाँ पर निराश हो गए कि सिर्फ 13 MP का सेंसर दे रहा है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गाइज यार मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार कि मेगापिक्सल्स पर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों मेगापिक्सल्स यहाँ पर मायने नहीं रखते हैं, मायने रखती है ट्यूनिंग। वीवो और आइकू इन दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपको यहाँ पर डे लाइट में तो काफ़ी अच्छे आउटपुट मिलने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। देखा जाए तो कैमरा सेटअप भी आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। तो चेहरा और आंखें इन दोनों से तो काम चल जाएगा, लेकिन देखना होगा कि फ़ोन का ब्रेन कैसा काम करता है। सो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाला है एक ज़बरदस्त चिपसेट जो कि इस बजट के अंदर अभी तक का बेस्ट चिपसेट है। दोस्तों ये है यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680। जी हाँ दोस्तों, इसी चिपसेट के साथ में अभी हाल ही में Redmi 10 को लॉन्च किया गया था, जहां पर आपको डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देता है और बैटरी बैकअप तो दोस्तों फ़ोन की कमाल की होती है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर भी आपको वही चिपसेट मिलेगा, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहां पर बैटरी एफिशिएंसी जैसा कि मैंने कहा कमाल की मिलने वाली है। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में आपको मिलते हैं 8 कोर, जिन्हें डिवाइड किया गया यहाँ पर 4-4 कोर में। तो पहले 4 कोर आपको मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए 2.4 GHz पर कोर्टेक्स A73 के, और बाकी के 4 कोर आपको मिलते हैं 1.9 GHz पर कोर्टेक्स A53 के।
तो देखा जाए दोस्तों, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात कर ले तो गेमिंग के लिए आपको दिया गया है एड्रेनो 610 का GPU, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देता है। और गाइज यही GPU हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 और 662 के साथ में मिलता था, तो वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती थी गेमिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर भी आपको डिसेंट टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस आसानी से मिल जाती है। तो देखा जाए तो इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर भी कोई खास शिकायत नहीं आएगी। सो दोस्तों, ब्रेन को काम कराने के लिए हाथ पैरों की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें फ़ोन के रैम और स्टोरेज की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली है 4 और 8 GB की रैम, जहां पर आपको 4 GB तक की वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। साथ ही में यहां पर रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X, और अगर हम यहां पर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज होगी 128 GB की, और दोस्तों स्टोरेज की क्वालिटी होने वाली है UFS 2.2। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर रैम और स्टोरेज का मॉड्यूल भी अच्छा दिया गया है। आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग टाइम तो फास्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में ये फ़ोन आपको रीड और राइट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी देगा भाई, तो उसमें भी आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली। भाई अगर हम दिन भर काम करेंगे यार तो भूख तो ज़रूर लगनी है, तो इस फ़ोन को भी भूख तो ज़रूर लगेगी। और इसकी भूख को मिटाने के लिए फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी। और साइज़ देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर के हिसाब से आपको नॉर्मल यूजिंग पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देगा। भाई यार यहाँ पर मुझे एक काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि फ़ोन के अंदर आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा रहा है, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट लगी होगी। यार मज़ा नहीं आया, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है यार। एटलीस्ट टाइप सी वाली पोर्ट तो दे देते, कम से कम 10 वोल्ट की चार्जिंग होती उससे काम चल जाता, लेकिन टाइप सी वाली पोर्ट तो देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बैटरी मॉड्यूल एवरेज मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं भाई फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। सो इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक लगा होगा भाई, उसमें भी शिकायत नहीं आने वाली है। और ये फ़ोन आने वाला है सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में, तो ऑडियो भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड स्लॉट की, तो दोस्तों अभी तक के जो लीक्स हैं उस हिसाब से ये स्मार्टफोन आने वाला है हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। आखिर में दोस्तों जान लेते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर जो आत्मा होने वाली है वो नई होगी या पुरानी होगी। तो दोस्तों इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन यार अभी तक हमने आईक्यू और वीवो के जो भी स्मार्टफोन देखे हैं वो हमें एंड्रॉयड 12 ही मिले हैं, तो पॉसिबली हो सकता है कि स्मार्टफोन हमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए जो लीक्स हैं वो एंड्रॉयड 11 के हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड्रॉयड 11 स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर सॉफ्टवेयर के अंदर हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप होते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस होने वाली वो भी आपको अच्छी मिलेगी, उसमें कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। तो भाई आगे देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च कब होने वाला है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि iQOO Z6 Pro ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में इसी महीने लॉन्च होने वाला है। और गाइस यार काफ़ी सारे लिस्टर तो ये बता रहे हैं कि ये स्मार्टफोन हमें 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी दौरान ये स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, जहां पर हमें iQOO का Z6 Pro और iQOO Z6 ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। रही बात फ़ोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 GB रैम 128 GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए लिस्टर्स का मानना ये है कि ये स्मार्टफोन हमें 10,000 रुपये की प्राइस पर देखने को मिल सकता है, ऐसा लिस्टर्स का मानना है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन 11,000 रुपये तक की प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप किसको वोट देना चाहेंगे, 10 या 11, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा, साथ ही में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।